कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के भाव में बीते 6 सप्ताह से लगातार तेजी रही, जबकि इस सप्ताह मुनाफा वसूली हल्की फुल्की है। कच्चे तेल की कीमतों में उबाल पर कारोबार किस तरह कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके, लेकिन साथ ही बढ़ते भावों की वजह से बढ़ती जोखिम का भी ख्याल रखना जरूरी है, जिसके लिए MCX आपको कई सुविधाएं देता है ताकि आपका ट्रेड सुरक्षा के घेरे में रहे। कच्चे तेल में फिर उबाल कैसे करें जोखिम का ख्याल, इसी पर हमारी आज की यह खास पॉडकास्ट। हमारे गेस्ट हैं कमोडिटी एक्सचेंज MCX के चीफ बिजनेस अधिकारी ऋषि नाथानी और पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मैं कमल शर्मा। ऋषि जी और मनोज जी, आपका स्वागत है। मनोज जी, शुरुआत में आपसे करूंगा कि कच्चे तेल की कीमतों में ओपेक प्लस की कटौती, रूस के फैसले और अमरीकी इन्वेंट्री में भारी गिरावट के साथ और क्या कारण रहे कि इसके भाव ऊपर की ओर बढ़ने लगे? नमस्कार कमल जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आज ये पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। बिल्कुल, कच्चा तेल हम देख रहे हैं कि यहाँ लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, और इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 7 सप्ताह से यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही थी। और वर्ष नवंबर 2022 के बाद पहली बार हमने WTI की कीमतों को $85 प्रति बैरल के बेहद करीब पहुंचते हुए देखा था। इस सप्ताह यहाँ हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे बढ़त जो है वो काफी देखने को मिली है पिछले कुछ 2 से 3 महीनों में। मुख्य वजह यह रही कि ओपेक प्लस की जो मीटिंग हुई थी इस महीने में, वहां ओपेक प्लस की तरफ से जो उत्पादन कटौती 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, उसको आगे अक्टूबर महीने में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही रशिया की तरफ से भी 3 लाख बैरल प्रतिदिन का जो एक्सपोर्ट का कटौती है, उसको भी उन्होंने जारी रखने की बात कही। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी चीज ये हुई कि US में जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में वर्ष 1982 के बाद सबसे बड़ी एक सिंगल जो है इन्वेंट्री में गिरावट एक सप्ताह में देखने को मिली थी, और उसके बाद से हमने देखा है कि कच्चे तेल की कीमतों को और जो है रफ्तार मिलती हुई नजर आई। कल जो USEIA की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी US की इन्वेंट्री में 6 मिलियन बैरल की पिछले सप्ताह जो है गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ US में जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, और ना सिर्फ कच्चा तेल बल्कि जो गैसोलाइन है, डिस्टिलेट है, उनकी इन्वेंट्री में भी लगातार जो है गिरावट देखने को मिली है, तो वो कीमतों को सपोर्ट कर रही है। हालांकि यहाँ पे चाइना की जो इकोनॉमी है, उनके जो हालात है वो थोड़े निराशाजनक है, और वहाँ लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं चाइना की तरफ से वो डिसअपॉइंटिंग है, और उसी के चलते इस सप्ताह हम जो है थोड़ी मुनाफा वसूली कच्चे तेल की कीमतों में जी आते हुए देख रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल सप्लाई कंडीशन है वो टाइट है, तो उसके चलते कीमतों में यहाँ लगातार सपोर्ट्स बने हुए हैं। जी ऋषि जी, जब कच्चे तेल के दाम में मूवमेंट अधिक हो तो एक ट्रेडर या निवेशक किस तरह अपने ट्रेड को MCX में ज्यादा सुरक्षा दे सकता है? धन्यवाद कमल जी। देखिए क्या है कि एक्सचेंज में सारे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्यूचर्स भी है, ऑप्शंस भी है। तो यदि कोई अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है अपने ट्रेड को, तो अगर वो फ्यूचर खरीद के रखता है, अगर तेजी भाप रहा है और फिर भी वो अपने रिस्क को बचाना चाहता है, तो साथ साथ एक पुट खरीद ले। तो उससे क्या होता है कि डाउनसाइड उसको नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ अपसाइड प्राप्त होगा, या दोनों ना करके सिर्फ एक कॉल खरीद ले। तो बहुत सारे तरीके हैं आदमी को कि सेफ चले। तो जब जी सेफ चलेगा, सिर्फ ऑप्शन खरीदने में ये है कि एक प्रीमियम लगता है अपफ्रंट, लेकिन उसके अलावा अपसाइड पूरा मिलता है, किसी को भी मुनाफा पूरा मिलता है, और लॉस में कोई भागीदारी नहीं रहती है। फ्यूचर में क्या है कि प्रीमियम नहीं लगता है, लेकिन नफा और नुकसान दोनों में पूरी बराबर की भागीदारी है। तो जैसा आदमी चाहे अपने आप को ट्रेड करना, वैसे उस एक्सचेंज में फ्यूचर्स और ऑप्शंस का के माध्यम से अलग अलग कॉम्बिनेशन में वो ट्रेड करके ये अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। ऋषि जी, जब बाजार में तेज उतार चढ़ाव होते हैं तो इस दौर में निवेशकों को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा एक्सचेंज की तरफ से कि चूंकि मैं एक्सचेंज का अधिकारी हूँ, एक्सचेंज का कोई भी प्राइस व्यू से कोई संबंध नहीं है, तो ये मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव होती है, और देखिए जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जो ग्लोबल सिचुएशन है, या तो डिमांड सप्लाई के कारण, या जो भी यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, या कुछ और हो रहा हो, तो देखिए
अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी तो अपने जीवन का एक अभिन्न अंग है, और अनसर्टेनिटी के साथ वॉलेटिलिटी आती है। तो जब वॉलेटिलिटी आती है तो मनुष्य को अपने आप को एक सेफ चलना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा निवेशकों से कि कोई भी ऐसा सौदा ना करे जो संभले ना, स्टॉप लॉस लगा के काम करें, और जो भी अपना काम करें उसको थोड़ा सा एक हेज करके चलें, चाहे वो फ्यूचर के माध्यम से हो, चाहे मिनी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हो। जैसे आपने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखा है तो मिनी के थ्रू आप अपने प्रॉफिट बुकिंग भी पार्शियली कर सकते हैं, पार्शियली हेज भी कर सकते हैं, या ऑप्शंस के माध्यम से हेज कर सकते हैं, ताकि आपका एक पोजीशन बरकरार रहे अगर आप चाहते हैं, लेकिन साथ साथ आपका आप क्षमता इस मार्केट में रहने की भी बरकरार रहे। जी मनोज जी, आपने चीन की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया था, और हम जिस तरह खबरों में पढ़ रहे हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक नहीं है, ऐसे में आपको क्या ये लगता है कि मौजूदा जो ट्रेंड है, जो बुलिश ट्रेंड है, वो स्थायी रहेगा या टिकाऊ रहेगा, या क्या होगा उसमें? ट्रेंड बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म है कमल जी, क्योंकि जो ग्लोबल सप्लाई है उसमें जो ओपेक प्लस और रशिया की तरफ से कटौती की जा रही है, तो उसके चलते अभी जो ग्लोबल सप्लाई पोजीशन है वो काफ़ी टाइट है, और लगभग जो 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का शॉर्टेज यहाँ पे कच्चे तेल में है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे चाइना में जो एक प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं नलीफाई होती हुई नजर आ रही है। दूसरा, चाइना की तरफ से भी यहाँ पे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उनकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। कल भी हमने चाइना की तरफ से एक इंटरेस्ट रेट कट आते हुए देखा था, तो यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में वहाँ उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कोई स्टिमुलस जो है वहाँ की सरकार जारी कर सकती है। तो अगर चाइनीज स्टिमुलस आता है तो फिर एक फर्म ट्रेंड यहाँ पे दोबारा शुरू हो सकता है, और अगर नहीं भी आता है तो जो गिरावट है वो लिमिटेड रहेगी, क्योंकि जो ग्लोबल सप्लाई पोजिशन है वो काफ़ी टाइट अभी वर्तमान में लगती है, और उसको देखते हुए कीमतों में सपोर्ट्स बने रहेंगे। जी, और मनोज जी, अगर यूएस की जो सॉवरिन रेटिंग हाल में डाउन हुई है, उसके क्या मायने होंगे कच्चे तेल पर? हाँ बिल्कुल, अभी जो हमने इस सप्ताह मुनाफा वसूली आते हुए देखी है उसके पीछे दो तीन कारण रहे हैं। एक तो जो चाइना के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो खराब थे, दूसरा यूएस की जो सॉवरेन रेटिंग है वो फिच ने डाउनग्रेड की थी, साथ ही यहाँ पे जो यूएस फेड की मीटिंग के मिनट्स कल जारी हुए हैं वहाँ पे यूएस फेड के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ब्याज दरों में आगे भी बढ़ोतरी करने के संकेत दिए हैं, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो डॉलर इंडेक्स है वो 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया है। साथ ही यूएस के जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो भी एक बार फिर से 4.3% के स्तर को क्रॉस करते हुए नजर आए हैं, तो उसके चलते यहाँ पे ग्लोबल कमोडिटीज में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड है वो इतना फर्म दिखाई नहीं देता है। यूएस में जो डेट टू जीडीपी रेशियो है उसको देखते हुए यहाँ पे सोवरेन रेटिंग जो है डाउनग्रेड रेटिंग एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं, और आगे भी डाउनग्रेड के संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन कच्चा तेल यहाँ काफी कुछ जो सप्लाई साइड है वो टाइट है, और दूसरा डिमांड जो है वो कोविड-19 के बाद से लगातार इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो हमारा मानना है कि जो सॉवरेन रेटिंग डाउनग्रेड हुई है उसका कीमतों में लंबी अवधि में कोई ज्यादा जो है असर देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ जी अगर चाइना की तरफ से कोई स्टिमुलस आ जाता है तो वो कीमतों को आगे भी सपोर्ट करता रहेगा। ऋषि जी, एमसीएक्स में फ्यूचर के अलावा ऑप्शन भी है। असल में इस तरह जो भाव बढ़े हैं, या जो भाव में हम कहते हैं कि मूवमेंट हुआ है, उसमें वैल्यू चेन पार्टिसिपेट्स को अपनी जोखिम की सुरक्षा के लिए फ्यूचर या ऑप्शन, दोनों में से किसे चुनना चाहिए? नहीं कमल जी, ये डिपेंड करता है कि उनका कार्य क्या है। जैसे अगर कोई क्रूड को अपने इनपुट में यूज कर रहा है और उसको पता है कि वो इनपुट लगेगा ही, तो फ्यूचर खरीद के प्राइस लॉक भी कर सकता है, और यदि उसको लगता है कि नहीं मेरे को अपना डाउनसाइड में अगर दाम गिरे तो मुझे अपने नीचे भाव में भी मिल सके लेकिन मेरे को अपसाइड में मेरा प्राइस लॉक हो, तो उसके लिए वो कॉल भी खरीद सकता है, ताकि वो कॉल खरीदे तो उसको एटलीस्ट प्राइस लॉक हो गया, अपसाइड में प्रोटेक्ट हो गया। तो डिपेंड करता है, अगर किसी का आउटपुट है तो उसके हिसाब से अगर वो अपना अगर आउटपुट प्रोटेक्ट करना चाहता है तो फ्यूचर बेच के चले, और अगर दाम प्रोटेक्ट करना चाहता है, और अगर उसको लगता है कि भाई अपसाइड मुझे चाहिए और अगर दाम गिरे तो मेरे को एक लॉक प्राइस चाहिए, तो पुट खरीद भी सकता है। तो कई तरीके होते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि जो भी करें अपना स्टडी करके रिसर्च करके करें मार्केट में,
ताकि आपका ये जो मार्केट का जो सफर है वो सुहाना रहे। जी मनोज जी, कच्चे तेल की कीमतों को अगला ट्रिगर किस डेटा या फैसले से मिल सकता है? कच्चे तेल में यहाँ दो चीजें इम्पोर्टेंट है कमल जी। एक तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो चाइना के जो डेटा काफी खराब आए हैं, उसके बाद अब काफी संभावना यहाँ नजर आ रही है कि चाइना की तरफ से कोई स्टिमुलस जल्द जारी हो सकता है, तो वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। साथ ही यहाँ पे यूएस फेड की अब सेप्टेम्बर महीने में फिर पॉलिसी मीटिंग होगी, तो उनकी तरफ से आगे पूरे साल के लिए क्या आउटलुक इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को लेकर के दिया जाता है, वो काफी अहम जो है फैक्टर मार्केट को दिशा निर्देश देता हुआ नजर आएगा। तो ये दो चीजें काफी अहम जो है लंबी अवधि में कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करती हुई नजर आएगी। जी ऋषि जी, देखिए कच्चे तेल के मूवमेंट को देखें तो MCX में ट्रेड करने वालों के लिए कमोडिटी बेहतर सौगात लेकर आई, लेकिन जब हम कमोडिटी चैनल पर है और बहुत से लोगों के सवाल आते हैं, वो पूछते हैं कि क्रूड में कैसे ट्रेड करें, क्या क्या चीजों का ध्यान रखें, कौन से डेटा अहम होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। हम लोग गांव के हैं या जो छोटे शहरों के, वो कहते हैं कि हम एग्री में हमें समझ में आता है, लेकिन नॉन एग्री खासकर क्रूड के बारे में गणित बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आती है। मैं एक्सचेंज की ओर से, आप किस तरह से लोगों को इसमें लर्निंग करते हैं कि वो ट्रेड कर सकें, ट्रेड के बारे में संबल और सक्षम बन सकें, एक्सचेंज कैसे उन्हें सपोर्ट करता है? देखिए, एक्सचेंज बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, हर साल हजारों अवेयरनेस प्रोग्राम करता है ताकि लोगों को बता सके न सिर्फ क्रूड के बारे में बट एक्सचेंज में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जिस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे अकाउंट खोलना चाहिए, कैसे मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। और एक संक्षिप्त में मैं आपको यही बता सकता हूँ कि कोई भी मनुष्य अगर एक्सचेंज में, कमोडिटी एक्सचेंज में काम करना चाहे तो सबसे पहले तो उसे नॉलेज की दरकार है। जैसे मैं सबको यही कहता हूँ कि पहले अन्वेषक बने फिर निवेशक बने। तो जब तक आप अन्वेषण नहीं करेंगे तो निवेश करके कोई फायदा नहीं। तो पहले अपनी स्टडी करें, थोड़ा सा इसमें समझें। और कमोडिटीज को समझना काफी आसान है क्योंकि ग्लोबली ये बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और ज्यादा कमोडिटीज नहीं है, जैसे हजारों शेयर है वैसे कमोडिटीज तो गिने चुने ही हैं। तो उसको समझना, और ग्लोबल फैक्टर से मूव करते हैं तो उसको समझना काफी आसान होता है। और उसको समझने के बाद आदमी जब भी मार्केट में उतरे तो छोटे सौदे में उतरे, पहले अपने आप को टेस्ट करे। जैसे मिनी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अगर फ्यूचर करना चाहे और ऑप्शन करना चाहे तो राइटिंग ना करके खरीद के करे ताकि उसका एक प्रीमियम आउटगो लिमिटेड रहे। और उसके बाद जब उसका एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी और उसे लगेगा कि हाँ मैं कुछ सही कर पा रहा हूँ, तभी थोड़े से एक्सपोजर को बढ़ाए। तो बाकी क्या है कि और क्या फैक्टर्स है नहीं है वो मैं बोल नहीं सकूंगा, वो मनोज जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि एक्सचेंज एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जहाँ ट्रेड किया जाता है। जी तो हम तो इन्वेस्टर को खाली सचेत कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या क्या माध्यम है उनके पास मार्केट में आने के। तो सर, आपकी जो आपने कहा कि हम इन्वेस्टरों को अवेयरनेस करते हैं, तो ये सभी आपकी ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन भी छोटे शहरों या मध्यम कस्बों में आप ऑफलाइन भी करते हैं इन्वेस्टरों को समझाने के लिए? हम दोनों माध्यम से करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से करते हैं। और हम छोटे कस्बों में भी करते हैं, बड़े शहरों में भी करते हैं, भारत के हर स्टेट में हम प्रोग्राम करते हैं। जी मोल तोल इंडिया की इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। इस प्रोग्राम पर आप अपना फीडबैक जरूर दें। शुक्रिया ऋषि जी, शुक्रिया मनोज जी, आपका धन्यवाद।